नमस्कार स्टूडेंट जोहार, आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि रियल एनालिसिस चल रहा है, जिसके अंतर्गत चैप्टर 2 चल रहा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, लेक्चर नंबर 5। टुडेज टारगेट, आज का जो टारगेट है हम लोगों का, वो रहेगा 3 थ्योरम बताने का। पहला, प्रूफ दैट एन क्रॉस एन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा प्रूफ करना पड़ेगा थ्योरम, द सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ना वो काउंटेबल होता है, ये प्रूफ करना होगा। तीसरा थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को भी काउंटेबल प्रूफ करना पड़ेगा, ये तीसरा थ्योरम हुआ। तो आइए बारी बारी से हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। पहला थ्योरम है प्रूफ दैट एन क्रॉस एन मतलब हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक बात को समझिएगा। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, एन क्रॉस एन का मतलब क्या होता है, ये जरा समझ लीजिए। पहले देखिए एन क्रॉस एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 चलते रहेगा, फिर बीच में क्रॉस 1 2 3, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, डॉट 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 होगा, ठीक है ना, यहां पर भी क्या होगा, डॉट 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 होगा, 1 2 3 कॉमा डॉट 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 डॉट, है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। 1 से 1 को पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, 1 1, फिर 1 2, ठीक है, फिर 1 3, ठीक है, इस प्रकार से ये, फिर डॉट डॉट, इसमें और भी तो होगा, 4 4 4 5 6 होगा, तो 1 4 1 5 1 6 चलते रहेगा, फिर 2 1, 2 से 1 जाएगा, फिर 2 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, फिर 2 से 4 जाएगा, 2 से 5 जाएगा, 2 से 6 जाएगा, फिर 3 से 1 जाएगा, 3 से 2, 3 से 1 जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 3 से 5 जाएगा, 3 से 6 जाएगा, चलते रहेगा, फिर इसी प्रकार से बहुत सारा, इसमें बहुत सारा नंबर होगा, तो डॉट डॉट चलते रहेगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये आपने क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब देखिए जरा समझिएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया n क्रॉस n का। द एलिमेंट्स ऑफ n क्रॉस n कैन बी डिस्प्लेड एज फॉलोस, तो आपने अभी भी देखा यहां पर क्या देखा, 1 1 1 2 1 3, देखिए यहां पर भी ये 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट 1 n डॉट डॉट चलते रहेगा, तो इसको हम लोग a1 सेट बोल देंगे। फिर आप देख सकते हैं, इसमें 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट चलते रहता है, तो यहां पर भी हम लोग a2 बराबर 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट 2 n डॉट डॉट चलते रहेगा, फिर a3 बराबर 3 1 3 2 3 3 डॉट डॉट चलते रहेगा, फिर m बराबर m1 m2 m3 डॉट डॉट चलते रहेगा mn तक, ठीक है, ये पूरा एकदम इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, समझ पा रहे ना। तो इस प्रकार से हमने n क्रॉस n का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो उस प्रकार से हमको नंबर्स मिला, इस प्रकार से हमको नंबर्स मिला, इनके एलिमेंट्स मिले, है ना, ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर में है ना, ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये नंबर्स को ही एलिमेंट्स कह रहे हैं, है ना, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट चलते रहना। तो इन एलिमेंट्स को सजाया है A1 सेट की मदद से, A2 सेट की मदद से, A3 सेट की मदद से, A5 AM सेट की मदद से, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि A1 भी मेरा काउंटेबल है, A2 भी मेरा काउंटेबल है, A3 भी मेरा काउंटेबल है, सारा का सारा काउंटेबल है। कैसे, देखिए 1 बोलेंगे तो 1 के रिस्पेक्ट में 1,1 मिलेगा, 2 बोलेंगे तो 2 के रिस्पेक्ट में 1,2 मिलेगा, इसी प्रकार से 3 बोलेंगे तो 3 के रिस्पेक्ट में 1,3 मिलेगा। तो A1 इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, काउंटेबल, काउंटेबली इनफिनाइट। फिर इसी प्रकार से A2 भी अगर 1 बोलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बोलेंगे तो नेचुरल नंबर 1 के रिस्पेक्ट में 2,1 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 2 के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, 2 के रिस्पेक्ट में 2,2 मिलेगा, 3 के रिस्पेक्ट में 2,3 मिलेगा, है ना, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2,3 मिलेगा, इधर एक सेट मान लीजिए, इधर भी एक सेट मान लीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से 1 1 1 2 शो कर रहा है, 1 1 1 2 जो जो शो करता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, और जो इक्विवेलेंट सेट होता है स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो शो करता है वो दोनों का दोनों सेट क्या होता है, फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाता है। आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, मैं ये प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझ गया कि A1 भी, A2 भी, A3 भी, ये सारे के सारे काउंटेबली इनफिनाइट है। अब इसी 1 1 1 2 1 3 ये सभी को एक, देखिए बड़े अच्छे से तरीके से सजा करके लिख देंगे, इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं, या फिर जो है प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। AI बराबर I1 I2 I3 डॉट 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 IN डॉट 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 चलते रहेगा। अब I के जहां पर आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए करते जाइए, तो 1 लीजिएगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 डॉट डॉट चलते रहेगा, फिर 2 लेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 चलते रहेगा, फिर 3 1 3 लेंगे तो 3 1 3 2 3 3 चलते रहेगा, समझ पा रहे ना, 3 4, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये रफ वर्क था,
एन क्रॉस एन समझाने के लिए, अब आगे बढ़िए, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, हम लोग का मोटो क्या, मकसद क्या है? मकसद है कि हम लोग तो ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है। हम लोग को यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो भी वो काउंटेबल होगा, बस हमको यही प्रूफ करना है। तो उसी के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं। सिंस a1, a2, a3, am, a i, all are denumerable का मतलब ही होता है countably infinite, उसी का दूसरा नाम होता है countably infinite या enumerable, है ना? तो ये denumerable है, मतलब ये सभी के सभी a1, a2, a3 ये सभी के सभी जो है कि सेट्स denumerable है, क्योंकि because every elements of a1, मतलब a1 का प्रत्येक एलिमेंट, a1 का प्रत्येक एलिमेंट कौन हो गया जी, a11, 1, 2, 1, 3 ये सब, तो a1 का प्रत्येक एलिमेंट 1, 1 ऑन टू क्रॉस बना रहा है, किसके क्रॉसपॉन्डिंग, नेचुरल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग बना रहा है ना। तो वही लिखा हूं, a1 इज 1, 1 एंड ऑन टू विद एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट के साथ 1, 1 एंड ऑन टू बना रहा है। कैसे भाई, कैसे भाई, तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, नेचुरल नंबर 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 1, 1 मिल रहा है, नेचुरल नंबर 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 1, 2 मिल रहा है, नेचुरल नंबर 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 1, 3 मिल रहा है, यानी कि हम लोग लिस्टिंग कर पा रहे हैं सिंपली अगर कहा जाए तो। तो a1 इज 1, 1 एंड ऑन टू विथ एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, सिमिलरली इसी प्रकार से a2 भी है ना, 1, 1 एंड ऑन टू, a2 का प्रत्येक एलिमेंट 1, 1 एंड ऑन टू है नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, क्लियर। इसी प्रकार से a3 भी है, a4 भी है, डॉट डॉट am भी है, ai भी है, सभी के सभी है। तो आगे देखिए, ये वाला लिखना एग्जाम में, ठीक ना, जहां पर रफ लिखा रहेगा बस उसी को नहीं लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दिस वे a1, a2, a3 .am, .ai सभी की सभी क्या हो गए, denumerable हो गया, denumerable यानी कि उसी को enumerable भी कहते हैं, enumerable यानी कि उसी को countably infinite भी कहते हैं, तो ये सभी के सभी denumerable हो गया। और countable सेट का ही दो प्रकार होता है, एक finite होता है, एक denumerable सेट होता है। तो जो denumerable होगा वो तो countable होगा ही होगा, और जो finite है वो तो obvious सी बात है countable होगा ही होगा, यानी कि denumerable, ये a1 a2 a3 ये सभी के सभी denumerable हो गया, इसका मतलब ये सब countable भी हो जाएगा, all are countable, ठीक है। एंड वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, हमने एक थ्योरम प्रूफ करके आप लोगों को बताया था, यदि a1, a2, a3 बहुत सारे सेट्स अगर काउंटेबल है तो उनका यूनियन भी करेंगे तो रिजल्ट्स हमारा क्या मिलेगा, काउंटेबल सेट ही मिलेगा, ये हमने प्रूफ भी करवाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो देयरफॉर a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन सभी के यूनियन कर देंगे, यूनियन ऑफ am यूनियन .. यूनियन ऑफ ai यूनियन .. इक्वल्स टू, है ना, एम का वैल्यू। अब इसी चीज को हम लोग, ये तब क्या हो जाएगा, जैसे a1 a2 a3 ये सभी के सभी क्या है, मेरा काउंटेबल सेट है ना, काउंटेबल, इसी वजह से सभी का यूनियन करेंगे तो भी ये रिजल्ट भी काउंटेबल हो जाएगा। अब इसी रिजल्ट को पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी यूनियन, और am a1 रखेंगे फिर यूनियन देंगे, फिर a2 रखेंगे फिर यूनियन देंगे, फिर a3 रखेंगे फिर यूनियन, यूनियन चलते रहेगा, तो इज काउंटेबल हो जाएगा। तो देयर सिंस, चूंकि हम लोग ये चीज जानते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि ये चीज पूरा, ये जो यूनियन है ना, ये पूरा काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये चीज जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि a1 का यूनियन करेंगे, a2 का यूनियन करेंगे, a3 का यूनियन करेंगे, ये सभी का जब यूनियन करेंगे तो इसके बराबर हो रहा है, और ये जो है ना, ये n / n के बराबर है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यही चीज आएगा। क्यों सर, कैसे सर, देखिए देखिए सर, देखिए, ये a1 a2 a3 a4 है ना, ये सभी के सभी, सभी को जब आप मिक्स करेंगे, सभी को जब यूनियन करेंगे तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, सब आएगा, फिर 2, 1 आएगा, 2, 2 सब, ये सारा का सारा आएगा, और ये जब सारा का सारा आएगा तो आप देख सकते हैं n / n, मतलब n क्रॉस n का कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 3 है, 2, 1 है, 2, 2 है, 2, 3 है, 3, 1 है, 3, 2 है, 3, 3 है, तो कुल मिला के इसके बराबर ही ना हो गया, सोच पा रहे ना, 1, 1, 1, 2 फिर 2, 1, 2, 2 फिर 3, 1, 3, 2 सब तो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन इन सभी का यूनियन इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, n / n के। तो इस प्रकार से जब ये काउंटेबल सेट हो गया तो ये भी काउंटेबल हो जाए, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, hence n / n इज काउंटेबल, प्रूव्ड हो गया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक कुछ नोट लिख कर रखा हूं, इस नोट को आप नोट कर लीजिए, n क्रॉस n किसके बराबर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, अब पहले इसको उतार लीजिए फटाक से, हाँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो n क्रॉस n जो है ना वो किसके बराबर है,
एम एम बराबर वन से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि ए वन यूनियन ए टू यूनियन, मतलब इन सभी का यूनियन के बराबर है, ए वन यूनियन ए टू यूनियन सभी के यूनियन के बराबर है ना, सभी यूनियन के, सभी ए वन ए टू ए थ्री यूनियन के बराबर है, ठीक है ना, क्लियर है, अभी अभी आपने देखा भी है ना। अब देखिए ए आई और ए जे का इंटरसेक्शन, ए वन में क्या था आप बताइए, तो ए वन में था आपका वन 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 टू, ठीक है वन थ्री, फिर चलते रह रहा था डॉट 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 आगे की और बहुत सारा, ठीक है। इसी प्रकार से ए टू पर क्या था, ए टू में था आपका टू कॉमा वन, टू कॉमा टू और टू कॉमा थ्री चल रहा था इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। अब आप बताइए एक बात, ए आई और ए जे का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें फाई सेट आएगा, कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा, जब आई और जे बराबर नहीं होगा तब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वन और टू आपस में बराबर नहीं है, यानी कि आई और जे आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना, आई और जे आपस में बराबर नहीं है। तब आप क्या स्थिति देख रहे हैं, ए वन और इंटरसेक्शन कीजिए ए टू का, क्या दोनों में कोई कुछ कॉमन है, ए वन और ए टू में कुछ कॉमन है, यहाँ पर वन वन है यहाँ पर टू वन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। तो वही चीज मैं लिखा हूं कि ए आई और ए जे का इंटरसेक्शन हमेशा नल आएगा यदि आई और जे बराबर नहीं होगा तब, और आई और जे बराबर हो जाए यानी कि ए वन और ए वन हो जाए तब दोनों में दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी वन वन हो जाएगा, यहाँ पर वन टू हो जाएगा, वन थ्री हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, ए एम इज डीनोमरेबल, आपको तो मैंने बताया ए एम क्या था, ए एम अगर देखा जाए, अब एम का वैल्यू हम यहाँ पर वन ले लेते हैं, यहाँ पर रेंडमली बात नहीं कर सकते, यहाँ पर एम का वैल्यू अगर वन ले लेते हैं, एम का वैल्यू यदि हम लोग वन ले लेते हैं, यहाँ पर बोला है ना एम का वैल्यू वन ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो ए वन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, वन टू हो जाएगा, फिर वन थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब ए टू ले लेंगे तो टू वन टू 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 थ्री टू फोर, फिर ए थ्री ले लेंगे थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी ए वन के प्रत्येक एलिमेंट, जैसे अगर देखिए वन लेंगे तो वन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिलेगा, वन कॉमा वन मिलेगा, टू लेंगे तो टू के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिलेगा, वन कॉमा टू मिलेगा, थ्री लेंगे तो थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिलेगा, वन कॉमा थ्री मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग मुझे ए वन का प्रत्येक एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर का इमेज ए वन में है, है ना, प्रत्येक नेचुरल नंबर का इमेज ए वन में है और प्रत्येक ए वन का प्री इमेज नेचुरल नंबर में है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक मैपिंग दिख रहा है जो कि एफ मैपिंग है, और ये एफ मैपिंग कैसा है, वन वन एंड ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्शन फंक्शन है, और इस प्रकार से जहां कहीं भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तब दोनों का दोनों सेट, यानी कि नेचुरल नंबर एंड जो सेट ए वन है, वो आपस में क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। और जब दो सेट आपस में इक्विवेलेंट होता है तो दोनों, जब दो सेट आपस में इक्विवेलेंट होता है तो ए वन यानी कि जब जो नेचुरल नंबर के साथ मैप्ड हुआ है वही क्या हो जाता है, इनुमेरेबल सेट हो जाता है या डीनुमेरेबल सेट हो जाता है, और जो डीनुमेरेबल होता है उसे काउंटेबल सेट कहते हैं। तो इस प्रकार से एम इज डीनुमेरेबल हो गया फॉर ऑल एम बराबर वन टू थ्री डॉट 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 सबके लिए। आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा थ्योरम लेकर के आए हैं, थ्योरम टू क्या कहता है, द सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल। अब सेट ऑफ इंटीजर को हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, काउंटेबल। तो सेट ऑफ इंटीजर को काउंटेबल हम तभी प्रूफ कर पाएंगे जब सेट ऑफ इंटीजर का प्रत्येक एलिमेंट नेचुरल नंबर के साथ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग करेगा, तभी हम कह सकेंगे कि इंटीजर, मतलब सेट ऑफ इंटीजर क्या है, काउंटेबल सेट है। तो उसके लिए आइए देखते हैं, कुछ उपाय लगाते हैं, प्रूफ पहले के लिखेंगे, इसके बाद लेट करेंगे जेड प्लस, जेड प्लस क्या, पॉजिटिव इंटीजर से वन टू थ्री डॉट डॉट होता है आपको मालूम है, फिर जेड माइनस क्या होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा आपको एक चीज और मालूम होगा कि इंटीजर्स, इंटीजर किसके मदद से बनता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन नेगेटिव इंटीजर्स यूनियन जीरो एलिमेंट, ये सभी तीनों का तीनों, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर और जीरो एलिमेंट, तीनों के तीनों जब इकट्ठा मिलते हैं तो इंटीजर का निर्माण करते हैं, क्योंकि इंटीजर आपका कहां से स्टार्ट होता है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन, फिर टू थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये होता है, बहुत सारा होता है, सभी गोटा गोटा होता है, ऐसा नहीं कि 1.1 हो जाए 1.2 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, जितने भी होंगे गोटा गोटा होगा, यानी कि 1, 2, 3 है ना, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो देयरफॉर द सेट ऑफ इंटीजर जेड कैन बी रिटन एज, तो जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर यूनियन नेगेटिव इंटीजर यूनियन जीरो एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि तीनों के मिश्रण से बना हुआ है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से
हमको दिखलाना है कि जेड जो है ना सेट ऑफ इंटीजर जो है इसको इसको हमको दिखाना है ना, इसको दिखलाना है कि ये मेरा क्या है काउंटेबल सेट है। तो अगर हमको इससे दिखाना है कि ये काउंटेबल सेट है तो हम पहले जेड प्लस को काउंटेबल दिखा देंगे, फिर जेड माइनस को काउंटेबल दिखा देंगे। और जीरो तो काउंटेबल है ही है क्योंकि इसमें तो एक ही तो एलिमेंट है, जीरो सिंगलटन सेट है तो एक ही तो एलिमेंट जिसमें होता है, तो कार्डिनलिटी इसका वन है, जीरो है सिर्फ एक अकेला जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है ये तब क्या हो जाएगा, ये तो फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो काउंटेबल हो गया, ये तो काउंटेबल है ही है। और जेड माइनस को काउंटेबल दिखा देंगे, और जेड प्लस को काउंटेबल दिखा देंगे। और जब ये जेड प्लस जेड माइनस और जीरो काउंटेबल हो गया और हम लोग जानते हैं कि काउंटेबल सेट का यूनियन भी काउंटेबल होता है, तब बोल देंगे कि भाई ये तीनों काउंटेबल है तो इनका यूनियन करेंगे तो भी वो काउंटेबल होगा। तो जब ये सभी का टोटल यूनियन अगर काउंटेबल हो जाएगा तो ये इसके बराबर है तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ऑल्सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये इन सभी को काउंटेबल प्रूफ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग बातें जान लेते हैं। जेड प्लस जेड माइनस एंड जीरो आर डिसजॉइंट सेट। क्यों डिसजॉइंट है, क्योंकि जेड प्लस में आपका क्या रहता है पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू डॉट 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 सब पॉजिटिव रहता है, जबकि जेड माइनस में मतलब नेगेटिव इंटीजर्स में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सभी नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं माइनस जेड में और प्लस जेड में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और ना ही यहां पर आप देख सकते हैं जीरो जीरो इसमें जीरो है ना, जीरो एलिमेंट है ना, तो ये जीरो एलिमेंट है। तो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वही चीज हम बताना चाह रहे हैं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इन सभी को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। खैर हम लोग को इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं था, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट ये जरूरत है कि इन तीनों को हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, काउंटेबल। जब इन तीनों को काउंटेबल प्रूफ कर देंगे तो वो थ्योरम के मदद से लिख देंगे, सिंस वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिंस वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं, अब मान के चलिए ये नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस प्रकार से अगर हम एफ एन बराबर हम एन मान ले, एक मैपिंग यहां पर डिफाइन कर दे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसा लिख दे, और एन का वैल्यू आप वन दीजिए, वन देंगे तो आपको मिलेगा वन, तो वन का मैपिंग वन के साथ, टू देंगे तो टू का मैपिंग टू के साथ, थ्री देंगे तो थ्री का मैपिंग थ्री के साथ। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर का इमेज पॉजिटिव इंटीजर्स में मिल रहा है बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग तभी होता है जब आप जो चीज दे रहे हैं और वही चीज उल्टा आपको मिल जाए, है ना। तो जैसे वन दे रहे तो वन मिल गया, टू दे रहे तो टू मिल गया, थ्री दे रहे तो थ्री मिल गया, तो इस प्रकार के मैपिंग को हम लोग आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर प्रत्येक नेचुरल नंबर एक क्रॉसपॉन्डिंग हमको पॉजिटिव जेड में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव जेड यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ऑफ सेट में क्या मिल रहा है, उसका इमेज मिल रहा है, उसका इमेज मिल रहा है, वन का इमेज वन, टू का इमेज टू, तो सबका इमेज मिल गया तो वन वन हो गया। अब आप इसमें भी उल्टा करके देखिए, पर जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ऑफ सेट के सेट में जो प्रत्येक एलिमेंट है उन सभी का प्री इमेज नेचुरल नंबर में मिल रहा है, तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में वन वन एंड ऑन टू हो गया। जब दोनों आपस में वन वन एंड ऑन टू हो गया तो कहेंगे नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू जेड प्लस। और जब दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट हो जाता है तो दो इक्विवेलेंट सेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इक्विवेलेंट जब सेट हो जाता है तो क्या कहते हैं कि जेड प्लस मेरा क्या हो गया डीन्यूमरेबल सेट हो गया, और जो डीन्यूमरेबल होता है वो काउंटेबल होता है, क्योंकि काउंटेबल सेट को ही दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक फाइनाइट और दूसरा डीन्यूमरेबल में, और डीन्यूमरेबल का दूसरा नाम इन्यूमरेबल, और इसको और एक नाम से जानते हैं काउंटेबली इनफिनाइट, क्लियर है। तो इस प्रकार से जेड प्लस मेरा क्या हो गया काउंटेबली इनफिनाइट या काउंटेबल सेट हो गया, सिंपल सी बात है, क्योंकि काउंटेबल सेट को ही दो पार्ट में तोड़ा गया, फाइनाइट एंड डीन्यूमरेबल जिसको इन्यूमरेबल भी कहते हैं। तो लेट जेड प्लस इज जेड प्लस क्या हो गया मेरा इक्विवेलेंट हो गया नेचुरल नंबर के अंडर द मैपिंग, कौन से मैपिंग के तहत, एन से एन में, एंड जेड माइनस इज इक्विवेलेंट नेचुरल नंबर अंडर द मैपिंग माइनस एन टू एन। अब ये क्या बात हुआ जरा समझिए, हम मैपिंग तैयार करते हैं एफ एन बराबर माइनस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इसको यहां पर थोड़ा बड़ा करके लिखते चलिए, है ना।
तो fn बराबर हम n डिफाइन करते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहां पर माइनस n लिख देंगे। अब देखिए एक मैपिंग तैयार कर रहे हैं f और हमको दिखाना है 1 1 एंड 1 2, बस 1 देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1, माइनस n है ना, इसीलिए क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1। 2 देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा। 3 देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा। तो यहां पर हम ले रहे हैं नेगेटिव जेड और यहां पर ले रहे हैं नेचुरल नंबर, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है नेगेटिव इंटीजर के सेट में, और प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर के सेट के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है, उसका प्री इमेज मिल रहा है नेचुरल नंबर के सेट में। तो इस प्रकार से ये 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं कि जेड माइनस इज इक्विवेलेंट सेट टू नेचुरल नंबर अंडर द मैपिंग माइनस एन टू एन दज। इस प्रकार से आपने देखा कि जेड प्लस और जेड माइनस दोनों का दोनों काउंटेबल हो गया, यानी कि डीन्यूमरेबल हो गया, डीन्यूमरेबल हो गया यानी कि काउंटेबल हो गया। तो जेड प्लस एंड जेड माइनस आर डीन्यूमरेबल सेट, हेंस जेड इज काउंटेबल। क्यों भाई, क्योंकि जेड प्लस किससे, क्योंकि देखिए अब जेड प्लस मेरा क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, और जेड माइनस भी काउंटेबल हो गया, और जीरो तो काउंटेबल है ही है क्योंकि जीरो में एक ही एलिमेंट है ना, इस सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट है, तो ये तीनों का तीनों काउंटेबल हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जब काउंटेबल सेट्स है तीन ठो और उनका यूनियन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी काउंटेबल ही होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं, पहली थ्योरम एक प्रूफ किए हुए, ठीक है। तो बिकॉज देखिए लिख भी दिए कारण, जेड प्लस एंड जेड माइनस आर डीन्यूमरेबल सेट्स, हेंस इसी वजह से जेड जो है कि जो मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स था वो काउंटेबल हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें सारा नेगेटिव सारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, जिसमें जीरो भी आ जाए, क्योंकि जेड जो है कि जेड प्लस यूनियन जेड माइनस से बना हुआ है, और सिंस वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल एंड जीरो इज ए सिंगलटन सेट विच इज फाइनाइट, और जो जीरो है वो क्या है, सिंगलटन सेट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, और जो कि फाइनाइट है क्योंकि इसका कार्डिनलिटी 1 है, एक ही तो एलिमेंट है उसके अंदर, सो इट इज ऑल्सो काउंटेबल हो जाएगा, ऑल्सो काउंटेबल, देयरफॉर जेड बराबर जेड प्लस यूनियन जेड माइनस यूनियन जीरो इज काउंटेबल। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। अब आइए आगे, नेक्स्ट थ्योरम है तीसरा थ्योरम, पहले इसको आप इतना उतारिए क्वेश्चन, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो या चाहे नेगेटिव में हो, चाहे वो किसी में भी हो, तो वो अगर रैशनल नंबर है तो उसको हमको क्या दिखाना होगा, काउंटेबल। आपको मालूम, थोड़ा सा बता देते हैं रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, पी बटा क्यू होता है, जहां पर क्यू जो है कि जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या हो सकता है, यहां पर क्या होता है, पी पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या होता है स्टूडेंट, पी क्या होता है मेरा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकता है ना, लेकिन क्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव होने लगेगा तो पॉजिटिव, अगर मान लीजिए नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, मतलब अगर ये पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव है और ये सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव 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 हो जाएगा, तो फिर नेगेटिव इंटीजर का सीन ही नहीं पैदा, नेगेटिव रैशनल नंबर का सीन ही नहीं पैदा होगा, इसीलिए क्यू मेरा पॉजिटिव इंटीजर होता है और पी मेरा पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होता है, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तब तो फिर वो रैशनल नंबर है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ, लेट ए एन बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, हम मान लेते हैं हमको क्या दिखाना, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है कि काउंटेबल है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए एन बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जितने रैशनल नंबर है उन सभी को रिप्रेजेंट करता है कौन है, ए एन सेट, विच कैन बी रिटन विद डिनोमिनेटर एन, और प्रत्येक रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर एन है उस रूप में लिख सकते हैं, कैसे जरा समझिएगा, रैशनल नंबर होता है क्या, 1/1 होता है, 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, -1/2 होता है, -4/3 होता है, -7/4 होता है, -8/6 होता है, बहुत टाइप का होता है, तो आप इतने सारे नंबर्स को कैसे लिखेंगे, अरेंज करके, तो वही चीज मैं सिखा रहा हूं, पहले अरेंज करके लिखना सीखिए, a1 बराबर 0/1 हो गया, -1/1 हो गया, फिर 1/1 हो गया, -2/1 हो गया, 2/1 हो गया, तो आप देख सकते हैं 0/1,
फिर माइनस वन बाई वन, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर क्या होगा माइनस थ्री बाई वन, फिर क्या होगा प्लस थ्री बाई वन, फिर क्या होगा माइनस फोर बाई वन, फिर क्या होगा प्लस फोर बाई वन। ठीक इसी प्रकार से ए टू में जीरो बाई टू, फिर माइनस वन बाई टू, फिर पॉजिटिव वन बाई टू, फिर नेगेटिव टू बाई टू, फिर पॉजिटिव टू बाई टू, फिर नेगेटिव थ्री बाई टू, फिर पॉजिटिव थ्री बाई टू, फिर नेगेटिव फोर बाई टू, फिर क्या होगा पॉजिटिव फोर बाई प्लस फोर बाई टू, इस प्रकार से चलते रहे फोर बाई टू। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये चलते रहेगा सीरीज। नेक्स्ट है ए एन बराबर जीरो बाई एन, फिर इसी से आप नोटिस कीजिए ना माइनस वन बाई एन, देखिए सब में एन है तो वन बाई एन, माइनस टू बाई एन, टू बाई एन, पॉजिटिव टू एन। तो इस प्रकार से एन का वैल्यू आप रखते जाइए ना, एक बार वन रखिए, एक बार टू रखिए, एक बार थ्री रखिए, एक बार फोर रखिए, एक बार फाइव रखिए, एक बार सिक्स रखिए, एक बार सेवन रखिए, आते जाएगा वन बाई सेवन, माइनस वन बाई सेवन, सेवन रखिएगा तो माइनस टू बाई सेवन, पॉजिटिव टू बाई सेवन। तो आपका जितना भी रेशनल नंबर इस ब्रह्मांड में है ना, इस सृष्टि में है ना, वो सारा का सारा इसी में नापा जाएगा, यही सब में नापा जाएगा ना, हम नाप दिए। ठीक है? अब देन द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर Q कैन बी रिटन एज Q बराबर यूनियन ऑफ AI 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हम समझाएंगे, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए, ये जो A1 सेट है ना, ये जो A2 सेट है ना, ये AN सेट है ना, ये सभी से का सभी सेट ये काउंटेबल है, यानी कि डिनोमरेबल सेट है। कैसे? तो आप देखिए, आप नेचुरल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग बात कीजिए, वन लीजिएगा तो वन के क्रॉसपॉन्डिंग आपको जीरो बाई वन यानी कि जीरो मिल जाएगा, टू लेंगे तो टू के क्रॉसपॉन्डिंग आपको माइनस वन बाई वन यानी कि वन माइनस वन मिल जाएगा, थ्री लेंगे तो थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग आपको वन मिल जाएगा, फोर लेंगे तो फोर के क्रॉसपॉन्डिंग आपको माइनस टू मिल जाएगा, फाइव लेंगे तो फाइव के क्रॉसपॉन्डिंग टू मिल जाएगा। इस प्रकार से जो मेरा ए वन सेट है वो डिनोमरेबल हो गया है ना, क्योंकि वन वन एंड टू फंक्शन शो कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। ए वन, ए वन सेट मेरा वन वन एंड टू फंक्शन शो कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। तो इस प्रकार से ए वन भी मेरा क्या हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन, ए वन भी मेरा क्या हो गया डिनोमरेबल हो गया, और डिनोमरेबल को ही काउंटेबल सेट कहते हैं, क्योंकि काउंटेबल का ही दो पार्ट होता है, एक फाइनाइट एक डिनोमरेबल। तो डिनोमरेबल है हो गया, डिनोमरेबल है तो इसका मतलब काउंटेबल हो गया। इसी प्रकार से ए टू भी, आप ए टू को भी आप देख लीजिए, ए टू का प्रत्येक एलिमेंट नेचुरल नंबर के साथ वन वन एंड वन टू मैपिंग बनाएगा। फिर इसी प्रकार से ए थ्री को भी आप देख सकते हैं, ए फोर को भी देख सकते हैं, फिर आप ए एन को भी देख सकते हैं। ठीक है? सबको देख सकते हैं। तो अब इन सभी सेट्स का आप, जैसे आपने देखा कि ए वन मेरा काउंटेबल हो गया, डिनोमरेबल है क्योंकि वन वन एंड वन टू को डिफाइन कर रहा है, और ए टू भी वन वन एंड टू को डिफाइन कर रहा है, ये सभी के सभी वन वन एंड वन टू को डिफाइन कर रहा है। तब इन सभी आप, चूंकि वन 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 टू को डिफाइन कर रहा है यानी कि डिनोमरेबल है, और डिनोमरेबल है यानी काउंटेबल है। तो इस प्रकार से हम लोग को एक बात मालूम है, वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो इन सभी का काउंटेबल यूनियन कर दीजिए, है ना, इन सभी का यूनियन कर दीजिए। और चूंकि ए वन ए टू ए थ्री ये सभी के सभी काउंटेबल सेट है, तो इनका यूनियन भी क्या होगा काउंटेबल होगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्यू, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैन बी रिटन एज, तो इन सभी, ये सभी रैशनल नंबर है तो इन सभी को मिला करके ही रैशनल नंबर बन रहा है। तो क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए आई, आई बराबर वन से लेकर के इन्फिनिटी, यानी कि ए वन देंगे, आई का वैल्यू वन लेंगे तो ए वन मिलेगा, फिर यूनियन कीजिए ए टू मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा वन से स्टार्ट करेंगे तो ए वन यूनियन ए टू यूनियन सब मिलते जाएगा, यूनियन यूनियन है ना, यूनियन यूनियन मिलते जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी को हम लोग यूनियन कर लेंगे तो ये रैशनल नंबर के बराबर हो जाएगा। क्या रैशनल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव होगा ये जरूरी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव होगा ये जरूरी नहीं, सब होगा, टोटल होगा रैशनल बोले तो सब हो जाएगा उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो जाएगा। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन वन बाई जीरो रैशनल नंबर नहीं है, वो तो अनडिफाइंड क्वांटिटी है, लेकिन जीरो बाई वन एक रैशनल नंबर है। तो हमने रैशनल नंबर को इस प्रकार से दिखला दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, लेट अस कंसीडर द मैपिंग। अब एक मैपिंग बनाते हैं एफ सच दैट एन से ए एन तक, मतलब ये नेचुरल नंबर हो गया और ये ए एन हो गया। अब समझाएंगे पूरा बारी बारी से, बारीकी से, डिफाइंड बाय, और इस एफ फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, एम माइनस वन बाई टू एन, कब होगा जब एम इज ऑड होगा, तब होगा, समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। व्हेन एम इज इवन, जब एम इवन होगा तो माइनस एम बाई टू एन होगा। अब चलिए देखते कैसे होगा। देखिए अब m odd होगा तो odd कब होता, 1 होता तब होता, तो 1 माइनस 1, ठीक है, m का वैल्यू 1 लीजिए, m का वैल्यू चलिए 1 ले लिए, है ना, अब m का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाई 2n 0 होगा, तो 1 लिए तो क्या मिला 0 बाई n, कैसे भाई, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाई 2 तो 0 ही हो गया, तो 0 बाई n बचा ना, अरे बाबा m का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 और 2 इंटू n 1 ना, तो 0 बाई 2 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 बाई
2n, 0 by 2n. अब 0 by 2n लिखे तो भी 0 आएगा, 0 by n लिखे तो भी 0 ही आएगा. तो 1 लिए तो 0 by n मिला. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चूंकि m ऑड था, अब देखिए m का वैल्यू हम इवन लेते हैं, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 लीजिए. तो m का वैल्यू 2 लेंगे तो -2 बटा 2n, तो 2 2 कटेगा तो बचेगा -1 by n. तो 2 लिए तो क्या मिला? -1 बटा n. ठीक है, 2 लिए तो -1 बटा n बचा ना. ठीक, अब 3 लेंगे, 3 तो ऑड हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, 2 2 बटा 2 तो कट गया, तो 1 बटा n बचेगा. 3 लेंगे तो 1 बटा n बचेगा. फिर 4 लेंगे, 4 इवन है तो 4 -4 ऊपर में कितना हो जाएगा? -4 ऊपर में कितना हो जाएगा? -4 by 2n. तो 2 2 कट गया तो 2 4 2 2 4 -2 by n होगा. 4 लेंगे तो -2 by n होगा. ठीक, इसी प्रकार से 5 लेंगे तो 5 ऑड हो गया, 5 में से 1 गया तो 4, ऊपर में 4 बटा नीचे में 2n, तो 2 दूनी कट गया तो 2 by n होगा. 5 लिए तो 2 बटा n हुआ. तो आप करना क्या चाह रहे हैं सर? आप करना क्या चाह रहे हैं? तो हम ये करना चाह रहे हैं बाबू कि 1 की क्रॉसपॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. ठीक है सर, अब 2 की क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिल रहा है? n का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं. चलिए, तो -1 by 1 यानी कि -1 मिल रहा है. फिर 3 ले रहे तो 1 मिल रहा है. 4 ले रहे तो -2 मिल रहा है क्योंकि 2 by 1 हो गया. 5 ले रहे तो 2 by 1 मिल रहा है. ठीक है, इसी प्रकार से n का वैल्यू 2 ले लीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 by 2 0 हो जाएगा. तो 1 ले रहे तो 0 मिल रहा है, 2 ले रहे तो फिर क्या मिल रहा है? -1 by 2 मिल रहा है. 3 ले रहे तो +1 by 2 मिल रहा है. 4 ले रहे तो -2 by 2 यानी कि -1 मिल रहा है. 5 ले रहे तो 2 by 2 यानी कि +1 मिल रहा है. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का, नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट का इधर इमेज मिल रहा है और इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इधर प्री इमेज मिल रहा है. यानी कि आप कह सकते सीधा सीधा कि यहां के प्रत्येक एलिमेंट का, इन पूरे एलिमेंट्स को, है ना, इन पूरे एलिमेंट्स को हम इस फंक्शन के मदद से लिख दिए. मतलब आप कह सकते हैं कि इन पूरे एलिमेंट्स का प्री इमेज नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है, और इन नेचुरल नंबर का पूरा इमेज एन सेट में एग्जिस्ट करता है. और एन है क्या? तो एन है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जिसमें सारा रैशनल नंबर आ जाए. तो एन है क्या? तो एन है मेरा क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या दिखला दिया कि एन जो है ना वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, और हमने दिखा दिया कि सेट ऑफ रैशनल नंबर नेचुरल नंबर के साथ 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग बना रहा है, और इस प्रकार से सेट ऑफ रैशनल नंबर डीन्यूमरल हो जाएगा. और सेट ऑफ रैशनल नंबर अगर डीन्यूमरल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काउंटेबल भी होगा. तो इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि वो काउंटेबल है. ठीक है, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं, हमने ऐसे भी प्रूफ कर दिया था कि a1 a2 a3 ये सभी के सभी काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. तो इस प्रकार से भी प्रूफ कर सकते थे. ठीक है, तो खैर उसका जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग यहां पर सीधा सीधा एक फंक्शन ही डिफाइन कर लिए और उसी की मदद से दिखा दिए कि मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल है. देन क्लियरली f इज 1 1 2, हमने दिखा दिया कि f मेरा 1 1 एंड ऑन 2 है यानी कि बाइजेक्टिव है. और जब 1 1 एंड ऑन 2 कोई फंक्शन हो जाता है तो उस केस में दोनों का दोनों सेट क्या हो जाता है? an और n, an यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, n यानी कि नेचुरल नंबर, दोनों का दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाता है. और इक्विवेलेंट सेट हो जाता है इसका मतलब सो an इज डीन्यूमरेबल, और जब डीन्यूमरेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है an इज काउंटेबल हो जाएगा फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए. ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि q रैशनल नंबर जो है वो क्या था, ai i बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी का यूनियन, मतलब a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन, ये सभी का यूनियन कीजिएगा तो क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा. और इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, और ये ऑब्वियस सी बात, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट. मतलब अगर a1 काउंटेबल है, a2 काउंटेबल है, a3 काउंटेबल है, और आपको मैंने बताया कुछ देर पहले ही कि a1 भी काउंटेबल है, a2 भी काउंटेबल, और ये भी बताया कि कैसे काउंटेबल है, क्योंकि 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 1 1 मिल रहा है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 1.2 मिल रहा है, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 1.3 मिल रहा है, 4 के क्रॉसपॉन्डिंग 1.4 मिल रहा है. फिर इसी प्रकार से a2 सेट का प्रत्येक एलिमेंट भी मिल रहा है नेचुरल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग में, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 2.1 मिल रहा है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग 2.2 मिल रहा है, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग 2.3 मिल रहा है. तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि a1 भी काउंटेबल है, a2 भी काउंटेबल नहीं कह सकते, पहले डीन्यूमरेबल कहेंगे, a2 भी डीन्यूमरेबल है, ये सभी डीन्यूमरेबल है, इसी वजह से ये सभी काउंटेबल भी है, क्योंकि काउंटेबल का ही दो पार्ट है, एक फाइनाइट और दूसरा डीन्यूमरेबल. तो इस प्रकार से a1 a2 ये सभी के सभी काउंटेबल है इस वजह से, और हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि काउंटेबल सेट का यूनियन करेंगे तो वो भी रिजल्ट काउंटेबल ही देता है. तो इसका मतलब काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. तो सिंस q बराबर ये इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. हेंस q इज ए काउंटेबल सेट. तो इसके मतलब ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं.
हालांकि ऐसे तो कही थी, प्रूफ कर दी, और आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए बाबू, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच खूब जोर शोर से जो है कि भेज दीजिए, है ना। आप लोग के लिए ही हम हमेशा है, और आप सभी से हम लोग हैं। आशा है कि आप लोग हमारा मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।